माय नेम इज कुणाल। मैं आज आपको ये वाली मैथ्स पजल दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें कुछ नंबर है। पहला नंबर है 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25 और फिर 36 है। और यहाँ जो खाली जगह है वह एक क्वेश्चन मार्क है। तो हमें इस मैथ्स पजल में यही ढूंढना है कि वहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो हम 4 से कर दें। तो यहाँ 4 कैसे आया है, तो यहाँ 4 कैसे आया है, तो हम अगर 2 × 2 करेंगे तो हमें इसका आंसर 4 मिल जाएगा। यानी ये हमें ये आंसर मिल गया। उसके बाद 9 है, तो यहाँ 9 कैसे आया, तो हम यहाँ 3 × 3 करेंगे तो हमें इसका आंसर 9 मिल जाएगा। तो ये 9 भी आ गया। उसके बाद है 16, तो 16 यहाँ कैसे आया, तो 16 देखिए 4 × 4, तो 4 × 4 कितने हुए, 4 × 4 16 हुए, तो ये भी हमें मिल गया। उसके बाद 25 है, 25 यानी 5 × 5 करेंगे हम, 5 × 5 करेंगे तो हमें इसका आंसर 25 मिल जाएगा, यानी ये भी करेक्ट है। उसके बाद है 36, तो 36 यहाँ कैसे आया, तो 6 × 6, अगर हम 6 × 6 करेंगे तो हम इसका आंसर 36 मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क वाला आई है। तो यहाँ हमने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया, फिर 6 लिया। उसके बाद 6 के बाद क्या आता है, 7, तो हम 7 × 7 करेंगे ना, 7 × 7, तो हम अगर 7 × 7 करेंगे तो हमें इसका आंसर 49 मिल जाएगा, यानी 950। तो हमें जो क्वेश्चन मार्क वाला जो जगह थी उसका हमें नंबर मिल चुका है। देखा दोस्तों, मैंने आपको कैसे मैथ पजल सॉल्व करके दिखाई। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते।